एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो मैं आज नाश्ता तो हमने कर लिया है, मेरी सास ने पूरी बनाई थी, बहुत मज़े की पूरियाँ बनाती हैं वो। और अब जो है मैं रेडी होंगी, तो मुझे कहीं जाना भी है आज शॉपिंग पे, जो मेरी ईद की शॉपिंग रहती थी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि रमज़ानों से पहले मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर मैं रमज़ानों में रश होगा और फिर मैं जा नहीं सकूँगी। तो मेरी हालत कुछ अजीब सी हो रही है, मैंने अभी फेस वॉश भी नहीं किया हुआ है और डार्क सर्कल्स भी मेरे काफ़ी बढ़ गए हैं मोबाइल यूज़ करने की वजह से। अब जो है मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ और फिर मैं रेडी होके आती हूँ, मैं नहा के आ जाती हूँ। तो अब मैं नहा करके आ गई हूँ, अब मैं तैयार होंगी। मैंने मासी से इतनी देर में आके झाड़ू पोछा करवा लिया था और अब मैं रेडी होंगी। मैं सोच रही थी एक वीडियो शूट कर लूँ नेल्स पर, क्योंकि भैया मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, एक जो है टूट चुका है बीच से, तो इस वजह से। और ये वाले नेल्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इनको भी ट्रिम करना है, अच्छे से शेप देने और थोड़ा क्लीन करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखूँगा। और चलो इतने में मैं कर लेती हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो उतने में मैं अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और रेडियो हाँ जी, तो मैंने अपनी वीडियो को शूट कर लिया है, जो मुझे शूट करनी थी। ये पानी रखा हुआ है और ये इतना मैस, ये नेल्स मेरे पड़े हुए हैं, मैंने नेल्स की वीडियो शूट की थी। ये देखें, मैंने अपने नेल्स को शेप भी किया और जो है मैनीक्योर भी किया है अपने। तो ये मैं पहले नीट कर लेती हूँ इतनी देर में, और फिर मैं रेडी होती हूँ। अब मैं जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो मैं जो हूँ, पहले मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है पैराशूट का, इसी से मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ, क्योंकि जब से विंटर्स हुए ना काफ़ी स्किन ड्राई रहने लगी है, तो मैं इससे अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ पहले, कि ये बेस्ट है। या तो आप आलमंड ऑयल लगाएं, या इस तरह का कोई ऑयल भी आप लगा सकते हो। ज़रूरी है कि आपके पास कोई स्पेशल फेशियल ऑयल बना हुआ हो, और अपने घर में ही लेके ना अपने और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। तो इस बारे में अपनी स्किन पर मसाज भी कर लूँगी थोड़ी सी इस तरह से। मेरे पास गोल्डन पर्ल की बीबी क्रीम है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ आजकल, चेंज करती रहती हूँ बस जो सूट करे। वैसे अल्लाह का शुक्र है सारी सूट करती हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं एंड से ही लगा लेती हूँ और ब्लेंड कर लेती हूँ, उससे नेचुरल ज़्यादा अच्छा नेचुरल इफेक्ट आता है। मैं थोड़ा सा ये लूज पाउडर लगाऊंगी अपने फेस पे, क्योंकि अब जो है गर्मियाँ आ गई हैं, तो इससे ना सेट रहता है, क्योंकि हमें जो पसीने वगैरह आते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पाउडर हम लगाते हैं। ओवर फेस पे हल्का हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं, हल्का हल्का सा लगा इस तरह से। मेरे फेस पे मैंने लगा अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी मिस रोज़ की पैलेट से, ये वाला शेड मैं लेती हूँ और ये बहुत अच्छा है। बस मुझे इसको फिल करना है, इसमें ये मेरा डेली गो टू लुक है। मैं थोड़ा सा कॉम कर लूँगी बस अपने बाल, मेरे बाल रहेगा, और फिर बस मैं रेडी हूँ। मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं और मैं लेट हो रही हूँ जाने के लिए, मुझे शॉपिंग पे जाना है।
लटके से लगा दूँगी बस इस तरह से, और मैं रेडी हूँ कार्य की एक दो कोट्स और कर लूँ ताकि थोड़ा सा लैशेज हैवी लगते हैं। जो हूँ सारा सामान वापस अंदर डाल देती हूँ, और जो मुझे लिपस्टिक लेकर आनी है तो मैं ये अपने साथ रखूँगी, और ये सब सामान मैंने अंदर रख दिया है और मैं रेडी हूँ। और से इसमें मैं अपनी लिपस्टिक रख लूँ, जो जो सामान लेकर जाना है मुझे मैं वो रखूँ बस ये, और पर्स वो सारी पैसे रखना है ट्रॉफीज रखूँगी और बस। और ये मेरी सास अम्मी ने बनाया था साग, आज हमारे घर में साग बना है, और फिर मैंने छत्ते हुए रियो बिस्किट्स खाए क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई थी, और हमारा इरादा था कि हम बाहर खाएंगे, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा खा लूँ कुछ, क्योंकि खाना खा ली थी तो फिर वहाँ नहीं खाया जाता। और ये मैं पहुँच गई लकी वन, और ये इनका पार्किंग एरिया है। फिर हम लकी वन में एंटर हुए, उसके बाद फिर हमने सोचा कि पहले हम लोग खाना खा लें क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई थी और एनर्जी डाउन थी थोड़ी, तो कुछ शॉप्स देखी थी, कुछ शॉप्स विज़िट्स किए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे भूख समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर पहले हमने बर्गर ओक्लॉक खा लिया, बर्गर ओक्लॉक खाने का दिल कर रहा था मेरा, तो फिर मैंने सोचा, मैंने लास्ट टाइम बर्गर ओक्लॉक खाया था मुझे बहुत मज़ा अच्छा लगा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज भी बर्गर ओक्लॉक ही खाऊंगी। तो हमने इनकी ये डील ली थी, और ये बहुत अच्छी डील है, इसमें हमने जो है ये वाला बीफ बर्गर ऑर्डर किया था और एक जिंगर बर्गर, और इसके साथ जो है मायो गार्लिक फ्राइज़ होते हैं, बहुत टेस्टी है इनका बर्गर और फ्राइज़, मुझे बहुत पसंद आए और बहुत अच्छी डील है, और फ्राइज तो बहुत ही मज़े के इनके। और फिर उसके बाद फिर हम शॉपिंग कंटिन्यू करी अपनी, और मैं यहाँ जुनेद जमशेद पे गई, यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे, वैरायटी बहुत थी और बहुत अच्छी कलेक्शन थी, तो फिर मुझे यहाँ पे मैंने अपना सेकंड ड्रेस भी यहीं से ले लिया, क्योंकि मैंने पहले भी अपना ईद का ड्रेस यहीं से लिया था जे रोड से, अब सेकंड भी मैंने यहीं से ले लिया। और फिर हम लोग निकल गए अब घर के लिए, और ये हम घर पहुंच गए। उसके बाद फिर घर आकर रेस्ट वगैरह किया, थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा चल चल के, क्योंकि लकी वन में चलना बहुत पड़ता है, बहुत पड़ा है ना, तो मैं थक गई थी। फिर मैंने ये चॉकलेट खाई, मुझे आजकल चॉकलेट बहुत पसंद आ रही, मतलब मेरा दिल करता है चॉकलेट्स खाती रहूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चॉकलेट्स। और फिर मैंने सोचा कि मैं ड्रेस ट्राई करके देख लूँ, ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मैंने इस तरह का ड्रेस लिया है, बाकी मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊँगी कि मैं अपनी ईद की शॉपिंग की। और ये हमने पिटी का खाना खाया, और फिर हम लोग बाहर गए आउटिंग के लिए, आउटिंग के लिए नहीं बस सोचा पान लेके आ जाते हैं, राउंड भी लग जाएगा, तो फिर हम गए पान लेने, और ये पान की शॉप पे मैं वेट कर रही थी। फिर घर आए, फिर ये पान लेकर हम घर आ गए, और फिर बख्तावर ड्रामा देखा, आजकल हम लोग ये देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे।